आइए अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठा लीजिए। खुदा का तख्त हमारे बीच में लग चुका है, उसकी कुदरत निजात बख्शने को हमारे बीच में है, उसकी कुदरत शिफा देने को हमारे बीच में है। हालेलुया, उसका आसमान खुल चुका है, वो अपने लोगों से हम कलाम होने को उतर आया है। आइए ईमान लाइए कि खुदावंद हमारे बीच में है और वो हमसे बात करने को जा रहा है। Jesus, thank you, Jesus. Garibo Shande, Beboro Borama Sandre, Bambore, Leveria Rama Shande, Rabo Shandoro. उसका तख्त लग चुका है क्योंकि हमने उसकी हम्द और सना की है, हमने उसकी हम्द के गीत गाए हैं, हमने उसे जलाल बख्शा है, हमने अपनी आवाजों से साजों से खुदाए सालूस की तमजीद की है। उसका तख्त हमारे बीच में है। हालेलुया, आइए सताइश करें, अपने होंठों से उसे मुबारक कहें, कहें खुदावन तू मुबारक है। कहिए कहिए कहिए, अपने होंठ खोलिए और कहना शुरू कीजिए, खुदावन तू मुबारक है। हालेलुया, तू मुबारक है। हालेलुया, कहिए खुदावन तू मुबारक है, तू मुबारक है, तू मुबारक है। Bam 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 bale re re bara bashande re re re. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Irra raban shodole, thank you Jesus. Baba bam bore re beshande. Oh.
rashande re 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 be shande लाते हैं कि तू यहां मौजूद है खुदा। मैं पीछे हटता हूं और तुझे आगे करता हूं। तू कलाम है, तू सच्चाई है। अपने लोगों पर जाहिर हो, अपने लोगों को इनकरेज कर, अपने लोगों को शिफा बख्श खुदा। शारून की किडनीज अपनी हुजूरी से नई कर दे, शारून की किडनीज को नया कर दे खुदा। संतरे ले रे भाई, तनवीर के ब्रेन को हील कर दे। खुदावंद जो हड्डी नहीं है वो बन जाए। नर्वस सिस्टम हील हो जाए। साइको हम तेरा इनकार करते हैं यीशु के नाम से। तनवीर उमर दीन हील हो, शिफा पा, शिफा पा, यीशु के नाम से शिफा पा। ब्रेन हील हो यीशु के नाम से। बे औलाद जोड़ों से मुखातिब है और खुदा कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरी दुआ सुन ली गई है, तेरी दुआ सुन ली गई है। फजीलत खुदावंद फरमाता है, तेरी दुआ सुन ली गई है। रजिया खुदा फरमाता है, तेरी दुआ सुन ली गई है। हालेलुया, कुरेशान डेले रे करेबेन बबोरे। आप में से जो बेरोजगार हैं, खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें रोजगार मुहैया कर दिया है। खुदावंद फरमाता है, तुम बरसरे रोजगार हो, तुम बरसरे रोजगार हो। अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो चुका है। ईमान लाइए, इशू हो चुका है, इशू हो चुका है। एलिस बीबी, यीशु मसीह के नाम से शिफा पा जा, यीशु के नाम से शिफा पा जा।
एलिस बीबी शिफा पा यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। यस यस, खुदा की बड़ी कुदरत यहां पर छा रही है, उसका अबर गहरा है। अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की जानिब उठाई, दोनों बुलंद, दोनों हाथ उठाइए और शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। सामने की तरफ बढ़ा दीजिए अपने हाथों को। हालेलुया, खुदा का रूह यहां मौजूद है, वो आपके बंधनों को तोड़ रहा है, जुओं को तोड़ रहा है। खुशी तेरा नमूनिया शिफा में बदल गया है। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। शांडलेरे के बेले बोर रबो शरंडलेरे के रे बो शांडो देवें बोरिया रबा संत्रो। खुदावंद आपका खुदा फरमाता है, मेरे बेटे तेरी, मेरी बेटी तेरी दुआ सुन ली गई है, तेरी दुआ सुन ली गई है। हिजकीएल साहिद, खुदा का रूह तेरे ब्रेन को छू रहा है, खुदा का रूह तुझे हील कर रहा है। तू अपने गरी में शिफा पा चुका है, तू शिफा पा चुका है। इसकी अलसा है, तू शिफा पा चुका है। तेरे बेसा त्रोले ग्रास्तोर रा हिजकीएल, खुदा ने तेरे बंदरों को तोड़ डाला है। इबलीस और शरीर का जुआ तुझ पर से काट डाला गया है और खुदा का रूह तेरे जहन को आजाद करता है, आजाद करता है, आजाद करता है। शाडले रे तेरे बे शाडले रे यस। खुदा आपके घर में आपके बीमारों को शिफा बख्श रहा है, आपके बीमार चंगे हो रहे हैं। आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा इसी कुदरत से आपको भी छू रहा है और आपकी बीमारियां आपके बदनों से जा रही है। आप आजाद हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। अपने आप को चेक कीजिए, खुदा का रूह नाजिल हुआ है और उसने आपको शिफा बख्शी है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। बेनेश्वर शारोन, खुदावंद तुम्हें साहब औलाद भी बनाता है। बेनेश्वर शारोन, खुदा तुम्हें साहब औलाद बनाता है। तुम दोनों अपने बच्चों के बच्चे देखोगे, तुम दोनों अपने बच्चों के बच्चे देखोगे। शारोन, खुदावंद यीशु का लहू तेरी किडनीज को शिफा बख्श रहा है, यीशु का लहू तेरी किडनीज को शिफा बख्श रहा है। दोनों हाथ उठाइए आसमान की जानिब, खुदा की कुदरत बड़े जोर से नाजिल हो रही है। ओहो हो हो, दोनों दोनों सामने बढ़ा दी, रिसीव कीजिए इस चीज को, रिसीव कीजिए अपने मौजूद को, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। शाडा लाभा रेबे शांडले रे गोबो रेबे संत्रो रे बो शाडे रे बंबो रो 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 बो बो रो बा रेबे संत्रो। जीसस, जीसस, यस, खुदा की कुदरत यहां मौजूद है, यस, खुदा की कुदरत यहां मौजूद है। खुदा आपके बच्चों का फरमा बरदार बना रहा है, आपके बच्चों के अंदर से नाफरमानी के जुए टूट रहे हैं,
Yes. Oh. Chandelere. Hebreo Shatro Leberia Rabasantre. Kalisia Khuda farmata hai. ये जगह तुम्हारे लिए छोटी पड़ गई है। मैं तुम्हारे खैमा की डोरियों को लंबा करने को हूँ। रे क्रिस्तो खुदा फरमाते हैं खैमा की डोरियों को लंबा 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 करने को हो। ईमान लाइए। आमेन आमेन आमेन। कलीसियाए पाकिस्तान, खुदा फरमाता है तेरी दुआ सुन ली गई है और खुदा फरमाता है अब मैं खुद उतरा हूं। मैं तेरे बंदरों को तोड़ूंगा, मैं तेरे जुओं को तोड़ूंगा और मैं खुद तेरे बैंडों के टुकड़े टुकड़े करूंगा। तू इस मुल्क में इज्जत पाएगी। कलीसिया पाकिस्तान, खुदा फरमाता है तू इस मुल्क में इज्जत पाएगी। खुदा तेरे वकार को बढ़ाने को है, खुदा तुझे इज्जत बख्शने को है। दुआया मज़बा पर वापस लौटो, खुदा तेरे मकाम को बढ़ाने को है। कोरेबेरे सांत्रोलेरे, खुदा उन फरमाता है मैं इस आखिरी दौर में नबियों को उठाऊंगा। खुदा फरमाता है मैं नबियों को बरपा करूंगा, उनके मुंह में तौबा का निजात का कलाम होगा। वो वापस लाएंगे, वो गुनहगारों को वापस लाएंगे। शांतेरे श्रेबुराबा शांतेरे। थैंक यू जीसस Thank you, Jesus. Thank you, खुदा। खुदा फरमाता है खुदावन के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं तुम्हारे बीच में नबियों को बरपा करूंगा और वह बाप का दिल बेटे के और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करेगा। शांति रे। खुदावन हमारे बरगश्ता फरजंदों को वापस ला, बरगश्ता फरजंदों को वापस ला। खुदावंद हमारे बरगश्ता फरजंदों को वापस ला, जो गुनाह और बदी की दलदल में उन्हें वापस ला। खुदा अपने रोल कुछ को भेज, खुदा अपने रोल कुछ को नाजिल कर। खुदा अपने रूल को उसको भेज के बरगश्ता लौट आए, गुनेगार तौबा कर ले, कौमे और उम्मते जाने के यीशु मसीह खुदावंद है। Let the people know Jesus is the Lord. Let the people know Jesus is the Lord. Let the world know Jesus is the Lord. He and He alone gives salvation to sinners. He and He alone. Let the people know He is the Savior. Holy Spirit, let the people know Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Khuda log jaane ke Yesu Masih Khudamand hai. Yesu Masih Khudamand hai. Aaiye dono haath aasman ki janib aur sirf aapke muh se ye nikle, Yesu Masih Khudamand hai. कहते जाइए इसको, रिलीज कीजिए इसको, इस फिजा में
इस माहौल में यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है, जीसस इज द लॉर्ड, यीशु मसीह खुदावंद है, जीसस इज द लॉर्ड, यीशु मसीह खुदावंद है। मिन्नत करता हूं, मिन्नत करता हूं खुदावंद, इस कलीसिया में से 120 की जमात ऐसी हो जो मुबशराना रूह में इस कलीसिया से निकले और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इंजील की गवाही दे सके, इंजील सुनाने वाले हों। 120 की जमात खुदा, a group of 120 people, let them go Lord, from within this church let them go, let them go, let them go, let them go and preach the gospel to the sinners. Let them go. Let them go. Let the evangelists go and preach the gospel to the whole world, to the sinners. Father, raise evangelists in Pakistani church. Raise evangelists, Lord. Every believer would become an evangelist. Every believer would evangelize. Every believer go and bring people in the kingdom. Khuda church ko mubashir bana de. Ab church ko mubashir bana de. Ab church ko mubashir bana de. Ab church ko mubashir bana de. Let the church receive the spirit of evangelism. Let the church receive the spirit of evangelism. Yes, Father. Yes, Father. We all lift up our hands. Aye, sab apne haathon ko uthaein aur kahiye hame mubashrana roo mil jaye. Sab buland awaaz se apne dono haathon ko uthaiye aur dua karna shuru kijiye. कि ये हमें मुबशराना रूह दे खुदा, हमें मुबशराना रूह दे खुदा, हम इवेंजलिज्म करें, हम बशारत देने वाले हों, हम बशारत देने वाले हों, हम बशारत देने वाले हों। यस फादर, 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 yes Father, I am an evangelist, I am an evangelist, main mubashshir ho, main mubashshir ho, shata rabanda de daria ab apne kalam ko nazil kar, apne kalam ko nazil kar, apne kalam ko nazil kar, मैं अपने आप को तेरे सपुर्द करता हूं, मेरी जुबान का और मेरे होंठों का जिम्मा ले और अपने कलाम को भेज खुदा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप ईमान रखते हमारा खुदा हमारे बीच में है, हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावंद हमारे बीच में है, हालेलुया, आमीन, आमीन। आप एक्साइटेड हैं? खुदावंद हमारे बीच में है, वो उतरा है, वो उतरा है शारून को छूने के लिए, वो उतरा है किडनीज को हील करने के लिए,
वो उतरा है भाई तनवीर के ब्रेन को हील करने के लिए, वो उतरा है वो जो वो हड्डी जो नहीं है उसको तखलीक करने के लिए वो उतरा है, वो उतरा है, वो उतरा है, वो उतरा है कि हिजकीएल को मेरे साथ खड़ा करे, वो उतरा है, वो उतरा है, वो उतरा है। राबा शांतो को रे रिबो शांतो रे रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे साथ निकालिए लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से 13वीं आयत तक। हम सब मिलकर जो बैठे हैं वो भी कलाम की ताजीम के लिए अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर बुलंद आवाज से इस हवाले को तिलावत करेंगे। यूं लिखा है, जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावन के मकदस में जाकर खुशबू जलाए और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावन का फरिश्ता खुशबू के मजबा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जकरिया खौफ ना कर क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। क़लामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नसीहत ठहरे। आमीन आमीन। अपने साथ वाले से कहिए, आपकी दुआ सुन ली गई है। हालेलुया, तसल्ली दीजिए उसको, कहिए आपकी दुआ सुन ली गई है। दाएं बाएं वाले दोनों से कहिए, आपकी दुआ सुन ली गई है। आमीन। आप ईमान रखते हैं कि यह कलाम सच्चा है? आपकी दुआ सुन ली गई है। खुदावंद फरमाता है, मेरे बेटों मेरी बेटियों तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। हालेलुया हालेलुया। खुदा फरमाता है, तेरी दुआ सुन ली गई है। खुदावंद आपका हौसला बढ़ा रहा है और कह रहा है, तेरी दुआ सुन ली गई है। जिनको बेटे चाहिए उनके लिए बेटे हैं, जिन्हें बेटियां चाहिए उनके लिए बेटियां हैं, जिन्हें शिफा चाहिए उनके लिए शिफा है और जिन्हें निजात चाहिए उनके लिए निजात है। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी दुआ सुन ली गई है। आमीन आमीन। क्या आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं? अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए बुलंद और कहना है, हमारी दुआ सुन ली गई है। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, हालेलुया, बुलंद आवाज से, हमारी दुआ, हमारी दुआ, हमारी दुआ, हमारी दुआ सुन ली गई है। हालेलुया हालेलुया। पूरे ईमान के साथ अपनी जगह पर तशरीफ रखिए, आपकी दुआ सुन ली गई है। हालेलुया। कलीसिया, ये नतीजा है कलीसियाई दुआ और कलीसियाई रोजे का, ये नतीजा। मैं आपको सच बताऊं, मैं इस माहौल से निकलना नहीं चाह रहा था। खुदावंद हमारे बीच में है, खुदावंद हमारे बीच में है। वो आपके नारास्तों को रास्तबाज बना रहा है। मैंने कहा, वो आपके नारास्तों को रास्तबाज बना रहा है। वो आपके शोहरों को वफादार बना रहा है। वो आपकी बीवियों को वफादार बना रहा है, क्योंकि जब वो आता है तो जरूर है कि कैद खाना की नींव हिलाई जाए और लोग चिल्ला उठें कि हम क्या करें कि निजात पाएं। जब वो आता है, और आज के सब वो हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। मैं ईमान लाता हूं, आप यहां से पहले जैसे नहीं जाएंगे। खुदा आपको चेंज करने को है, आपकी नेचर चेंज करने को है, आपका किरदार चेंज करने को है,
आपकी फितरत चेंज हो जाएगी, आपकी परसेप्शंस चेंज हो जाएंगे, आपकी थॉट्स चेंज हो जाएंगे, आप नेगेटिविटी की स्पिरिट से निकलकर पॉजिटिव स्पिरिट में आ जाएंगे, आपके थॉट्स, आपका ब्रेन, माइंड, सब कुछ को खुदा हील करने को है, क्योंकि खुदा खुद उतरा है, खुदा खुद उतरा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, ये आपकी दुआओं का जवाब है। आमीन। मेरा मैसेज आज भी दुआ ही के ताल्लुक से हो, खास तौर पे ये उन लोगों के लिए होगा जो समटाइम्स दुआ करते हैं, समटाइम्स नहीं करते हैं, और वो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जवाब मिले, हमें खुदा बात करे हमसे, हमें जवाब दे खुदा, हमारे कामों को बनाए। ऑन एंड ऑफ प्रेयर से आपको परमानेंट आंसर नहीं मिलता है। दुआ वो मुक्के हैं जो आप अगर मुसलसल मारते रहें, मुसलसल मारते रहें, तो आसमान खुल ही जाता है। कलीसिया, मैंने आपको सिखाया था, दुआ करने वाला आखिरकार जीत ही जाता है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप जीत जाएं? आप चाहते हैं कि आप फतह मंद हों? आप चाहते हैं कि आप फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें? आपको दुआ करना है और करते रहना है। हालेलुया। आपको दुआ करना है और करते रहना है। पाकिस्तानी चर्च का मसला यह है, वो दुआ करवाता है और करवाता रहता है, वो करवाता रहना चाहता है, लेकिन आज के सुबह मैं आपको आसमान से ये रेविलेशन, ये मुकाशफा देना चाहता हूं, आपको अब दुआएं करवानी नहीं है, आपको अब दुआएं करनी है। हालेलुया। क्योंकि दुआ करवाने वाला नहीं, दुआ करने वाला आखिरकार जीत ही जाता है। हालेलुया। कि ये खुदा मुझे दुआ करने का रूह दे दे। आमीन, आमीन। ये मैसेज खास उन लोगों के लिए है जो बीच बीच में दुआएं शुरू करते हैं और बीच बीच में छोड़ देते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमें खुदा जवाब दे। मैं आपको बताऊं, कभी कभार की दुआओं से आपको सेटिस्फेक्शन, आपको तसल्ली, आपको जवाब नहीं मिलेगा, उल्टा आप मायूस हो जाएंगे और आप कहेंगे पिछले हफ्ते भी दुआ की थी, पिछले वीक भी रोजा रखा था, कल भी दुआ की थी, पिछले महीने भी दुआ की थी, जवाब नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कभी कभार नहीं, आपको मुसलसल दुआ करनी है, मुसलसल दुआ करनी है। और आप यकीन कीजिए, अगर आप मुसलसल दुआ करने वाले बन जाएं, खुदा मुसलसल जवाब देना शुरू कर देगा। हालेलुया। खुदा मुसलसल जवाब देना शुरू कर देगा। आप चाहते हैं दुआ करने वाले हों? खुदा जवाब देने वाला पहले ही है। आमीन। आपकी दुआ सुन ली गई है। आमीन। आपकी दुआ सुन ली गई है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने काम ऑलरेडी कर दिया है ना, रूहानी आलम में खुदा ने बहुत कुछ को हील कर दिया है। आमीन। बहुत कुछ को खुदा ने छू लिया है, ऑलरेडी छू लिया है, ऑलरेडी छू लिया है। तो भी हम उसके कलाम को नोश करेंगे, क्योंकि जीवन की रोटी, जिंदगी की रोटी ये है। आमीन, आमीन। लिखा है, जब वो खुदा के हुजूर अपने फ्री की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ। अब तक खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश नहीं हुई, और जितनी खिदमत हो रही है वो शरीयत के तरीक पर हो रही, कहानत भी जो सर अंजाम दी जा रही है वो शरीयत के तौर पर सर अंजाम दी जा रही है। और इस वक्त तक
काहिन इतने ज्यादा हो चुके थे कि शायद कई काहिन खिदमत का काम सर अंजाम दिए बगैर ही खुदावंद में सो जाते थे और उनकी बारी नहीं आती थी कि वो हैकल में जाएं और कहानत का काम सर अंजाम दें। कुरा डाला जाता था कि कौन सा काहिन जो है वो अब की बार खिदमत के लिए हैकल में जाएगा और काहिन कहानत का काम सर अंजाम देगा। तो ये बहुत बड़ा एजाज था जकरिया के लिए कि इसके नाम का कुरा निकला और ये हैकल में गया है और ये खिदमत का काम सर अंजाम दे रहा है। ये बहुत बड़े एजाज की बात है और शायद ये पहली और आखिरी बार थी कि ये हैकल में गया और इसने कहानत का काम सर अंजाम दिया। अब जब ये खिदमत के लिए हैकल के अंदर है, ये कुर्बानियां चढ़ा रहा है, ये कहानत का काम खिदमत सरंजाम दे रहा है, तो ऐसा हुआ। समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि हम तो मसीही भी हैं, हम तो ईमानदार भी हैं, हम तो एक बड़े जबरदस्त चर्च का हिस्सा भी हैं, मेरी उस चर्च से फेलोशिप है, मेरे उस खादम के साथ दोस्ती है, मैं इस खादम को एक फोन करूं, मेरे लिए दुआ करते हैं। इस सब कुछ के बावजूद आप सोचते हैं हमारा काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगेन जोर इस बात पर है, दुआएं करवाने से नहीं, दुआ की खिदमत करवाने से नहीं, दुआ की खिदमत करने से आपके घर के मामलात ठीक होंगे। आमीन। दुआ की खिदमत करने से ये कहानत का काम सरंजाम दे रहा है। तो ऐसा हुआ, क्या हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर, काहिन अंदर है, हैकल के अंदर है और जितने बनी इसराइल हैं, यहूदी इसराइली, वो सब के सब हैकल से बाहर हैं और काहिन अंदर खिदमत कर रहा है और चर्च बाहर खिदमत कर रहा है। हालेलुया! क्या एक खूबसूरत इनका कनेक्शन है, कोलैबोरेशन है। काहिन अंदर खिदमत सरंजाम दे रहा है और चर्च बाहर खिदमत सरंजाम दे रहा है। पाकिस्तानी चर्च का इश्यू, प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तानी चर्च चाहता है कि सिर्फ काहिन खिदमत करें, काहिन दुआ करें, खादिम दुआ करें और हम अपने घरों में सोए रहें, हम एंजॉय करें, हम अपनी मर्जी करें और खिदमत का, दुआ का सारा काम ये काहिन करे। इस हवाला में हमें क्या मिल रहा है? काहिन अपनी खिदमत कर रहा है और चर्च, अमाल की किताब देखें, लिखा है और चर्च ईमानदार बिला नागा दुआ करते थे। इब्तदाई चर्च का और कोई काम नहीं था मास्वा इसके कि जमा हो, रोटी तोड़े, रफाकत रखें, दुआ करें, रोजा रखें और रसूलों से तालीम पाते चले जाएं। इब्तदाई चर्च दुआ करता था और रसूल कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल हो। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि सारे का सारा चर्च यह कहता है मेरे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें और एक काहिन अब सबको किस तरह से सर्व कर सकता है। इसलिए अजीब और बड़े काम वकू में नहीं आ रहे हैं। रीजन यह है कि एक खादिम पे, एक काहिन पे 4,000, 5,000, 10,000 लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बरक्स अगर वही 100, 500, 2,000, 4,000, 10,000 वो सब के सब एक शख्स के लिए दुआ करें और वो जब खड़ा हो फिर आसमान खुले और फिर उसके मुंह से प्रोफेसिस निकले, नबूवतें निकले, ईमान का कलाम निकले और वो लोगों को सैर भी करे, हील भी करे और लोगों को निजात भी दे। आमीन। काहिन भी अंदर खिदमत कर रहा है और चर्च भी बाहर। आप चाहते हैं हम इसी तरह हर संडे, हर रोज इसी प्रेजेंस में, इसी हुजूरी में मूव करें? मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद ये 21 दिन का दुआ रोजा नहीं, अब हमें ये लाइफ टाइम दुआ रोजा चलाना पड़ेगा ताकि ना सिर्फ रिवाइवल इस चर्च में आए बल्कि मेरी दुआ है इस कलीसिया के वसीला से, बल्कि पाकिस्तानी चर्च के वसीला से, ग्लोबल चर्च के वसीला से अब रिवाइवल दुनिया में आने लगे, अब सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में रिवाइवल आने लगे, अब खुदा का रूह इस तौर से जुम्बश करे कि चर्च
उस रिवाइवल को रिस्पांस दे सके, दुनिया उस रिवाइवल की लपेट में आ जाए। आमीन। आपको दुआ छोड़ना नहीं है, आपको दुआ करते रहना। मसीह खुदावन ने क्या कहा? दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत, दुआ करते रहना। और आज हमें, हम यू नो फील किया है कि खुदा का रूह यहां मौजूद है, और वो आपसे कलाम कर रहा है, वो आपके अंदर कलाम को उंडेल रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है, आपका हौसला बढ़ा रहा है। और वो हमें जो दुआ करने वाले हैं, हमें मुसलसल दुआ करने वाले बना रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप चाहते हैं आप मुसलसल दुआ करने वाले हो? yes. आप चाहते हैं आप मुसलसल दुआ करने वाले हो? yes. खुदावंद ऐसा करने को जा रहा है, ऐसा करने को जा रहा है। काहिन अंदर खिदमत कर रहा है और कलीसिया बाहर। अब इन दोनों की खिदमत और दुआ के जवाब में हुआ क्या है? खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मजबा की दानी तरफ खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। मैं आपको बताऊं, हमारी दुआओं के जवाब में खुदा आसमानों से अपने फरिश्तों को भेज देता है। हालेलुया। हमारी दुआओं के जवाब में खुदा आसमानों से अपने फरिश्तों को भेज देता है। यसाया छठे बाब में भी हमें एक ऐसा जिक्र मिलता है। यसाया को पता चलता है कि उसके होंठ नापाक हैं और वो नजिस लब लोगों में बसता है, और वो खुदा से दुआ करता है, खुदावंद मुझे पाक कर, मैं, मेरे होंठ नापाक हैं, मैं नजिस लब लोगों में बसता हूं। खुदावंद उसकी दुआ के, उसकी रिपेंटेंस के जवाब में आसमानों से फरिश्ता भेजता है, जो वहां से मजबा पर से कोयला उठाता है और लाकर उसके होंठों को छूता है और वो पाक हो जाता है। हालेलुया। और फिर खुदावंद कहता है हमारी तरफ से कौन जाएगा? वो कहता है मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। आपकी दुआ के जवाब में आसमानों से फरिश्ते उतर आते हैं। आमीन। खुदा का फरिश्ता खुशबू के मजबा की दानी तरफ खड़ा उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा। बाय द वे, ये कोई नया तजर्बा नहीं है। खुदा जब जब अपने फरिश्तों को भेजता है, लोग घबरा जाते हैं, दहशत जदा हो जाते हैं, क्योंकि उस मखलूक को जब ये जिस्मानी आंखें देख लेती हैं, हम पर दहशत तारी हो जाती है, क्योंकि हम उस नूर की ताब नहीं ला सकते। ये कोई नई बात, कोई नया तजर्बा बाइबल मुकद्दस में नहीं है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो जब आसमानों से फरिश्ते आए, खुदा की कुदरत आई, तो वो डर गए, ऊंधे मुंह गिर पड़े, बेहोश हो गए, वो अपने कदमों पर खड़े ना रह सके। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए जकरिया खौफ ना कर। हालेलुया। ए जकरिया खौफ ना कर। मैं आपको बताऊं, खुदावंद हमें कभी भी खौफ जदा नहीं करता। वो जब जब विजिट करता है, हमें पाक करने के लिए विजिट करता है, हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए विजिट करता है। उसकी विजिटेशन से खौफ जाता रहता है। जब जब मरियम भी घबरा गई तो फरिश्ता कहता है खौफ ना कर। जब चरवाहे डर गए, गडरिये डर गए, तो फरिश्ता कहता है खौफ ना करो, खौफ ना करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर अगर किसी भी चीज का खौफ है, उस खौफ को अपने अंदर से जुदा कीजिए। आपकी दुआ सुन ली गई है, आपकी दुआ सुन ली गई है। आपके अंदर से बीमारी का खौफ जाता रहे, क्योंकि आपकी दुआ सुन ली गई है। आपके अंदर से शर्मिंदगी जाती रहे, क्योंकि आपकी दुआ सुन ली गई है। फरिश्ता कहता है खौफ ना कर, क्योंकि, क्यों खौफ ना करे? क्योंकि, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त काहिन जो है वो अंदर कहानत का काम सरंजाम दे रहा है, लेकिन इसके बरक्स
कलीसिया ईमानदार इसराइली जितने हैं वो बाहर क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और सुनिए, दुआ वो लोग कर रहे हैं और खुदा जवाब किसको दे रहा है, मतलब ये बात तो बाहर लोगों से भी कही जा सकती थी, फिर खुदा क्यों काहिन के पास आया है और इसको कहा है कि मियां खौफ ना कर, तेरी दुआ। बाज़ुकात हम ये कहते हैं पादरियां दी सही लॉटरी लगी है, उन्होंने ते गड्डियां भी ते कार भी ते शैकल मोटर भी ते प्लाट भी ते रोटियां भी ते खाने भी ते, बड़ी उन्होंने मौज है, जा जाते सफर करते ने ते होटलों च रहते ने, बड़ी मौज है। तू उन्होंने उदो नहीं वेख्या जदों उहदी जुत्ती टुटी सी, जदों 6 साल और एक ही काली पेंट नू इस्त्री कर करके ते पांदा रहा है, तू उन्होंने उदो नहीं वेख्या जदों पुरानी साइकिल नू धो के ते घरों निकलता सी, उदो नहीं तू वेख्या उन्हों, उदो नहीं वेख्या जदों उहदा बैग फट गया से बाइबल आला ते उन्हों ही लैके ते ओ निकलता सी ते खिदमत करता सी, मुनादी करता सी ते लोगां दे कोल जाके ते उन्हां नू इंजील सुनांदा सी। तेनू उहदियां गड्डियां चुभण डईआं ने, तू उन्हों उदो नहीं वेख्या जदों एक एक रोटी तो भी मोहताज सी, शामी खांदा सी ते सुबह ले खुदा ते भरोसा करता सी। बाज़ुकात हम कहते हैं खादमों की दुआ सुनी जा रही है, हमारी दुआ सुनी नहीं जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुआएं सबकी सुनी जाती हैं, आज मेरी कल आपकी, कल मेरी आज आपकी। हमें इस तजाद में नहीं पड़ना है, हमें इस तरह के डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने हैं, ओदी बड़ी सुनी जाती है, मेरी नहीं सुनी जाती। खुदामंद कादरे मुतलिक है, उसके कान ईमानदारों की दुआओं पर लगे हुए हैं। काश के हम ये कहने की बजाय कि उसकी सुनी गई है मेरी सुनी नहीं गई, हम खुदावंद से ये कहें, खुदावंद मैं पीछे रह जाऊं, मेरे भाई मेरी बहन की दुआ तेरे हजूर पहले मकबूल ठहरे। आमीन आमीन। क्या यीशु मसीह ने क्या सिखाया, जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं सुनी जाएं, आइए पहले दूसरों के लिए कहें खुदा उनकी दुआएं सुनी जाएं, उनकी दुआएं सुनी जाएं। आमीन। इसराइली बाहर दुआ कर रहे हैं और मैसेज अंदर खादिम को मिल रहा है, तेरी दुआ सुन ली गई। अब इसका यह मतलब है कि खुदा ने जो बाहर दुआएं कर रहे हैं उनको यह कह दिया है कि आपकी दुआ सुनी नहीं गई है, नहीं ऐसा नहीं है, खुदा उनकी दुआ को भी सुन रहा है। और क्या मुमकिन कि वो बाहर ये दुआ कर रहे हों कि खुदा हमारे खादिम हमारे काहिन जकरिया को औलाद जैसी बरकत अता कर। आमीन। क्योंकि ये जानते थे कि जकरिया और एलिशबा के यहां औलाद नहीं है, और बाइबल मुकद्दस कह रही है कि ये रास्तबाजी से दीनदारी से खुदा के साथ चलते थे, ये इनमें कोई गड़बड़ नहीं थी, इनमें कोई छल नहीं था, ये रास्तबाजी और दीनदारी से खुदा की खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। खुदा फरमाता है तेरी दुआ सुन ली गई है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपने बिलखसूस आपने वो दुआएं जो दूसरों के लिए मांगी हैं वो दुआएं सुन ली गई हैं। हालेलुया, वो दुआएं सुन ली गई हैं। कलीसिया बाहर दुआ कर रही है और खुदा खादिम से कहन से हम कलाम है कि तेरी दुआ सुन ली गई है। आपने जो इस पूरे 21 दिनों में जो दुआएं मांगी हैं, रोजे रखे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो दुआएं सुन ली गई हैं। आपने दुनिया के लिए दुआएं मांगी हैं, आपने गैर कौमों के लिए दुआएं मांगी हैं, आपने गुनहगारों के लिए दुआएं मांगी हैं, आपने आंसू बहाए, घुटने टेके, आपके आंसू और घुटनों के जवाब में खुदा आज की सुबह फरमा रहा है वो दुआएं जो दूसरों के लिए की गई है वो दुआएं सुन ली गई है। गुनहगार निजात पाने को है, कौम यीशु मसीह को जानने को है, और इस मुल्क में दुनिया में निजात आम होने को है। हालेलुया, हर एक जान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह खुदावंद है। आपकी दुआएं
वो भी जो आपने अपने लिए मांगी हैं और वो भी जो आपने दूसरों के लिए मांगी हैं। आमीन आमीन। अपने साथ वाले को कहिए तसल्ली रखें, आपकी दुआएं सुन ली गई हैं। आमीन आमीन। फरिश्ते कहते हैं ज़करिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा से, सुनिए इस चीज को प्रोफेटिकली अपने अंदर लीजिए अफजाल, तेरे लिए तेरी बीवी रुबीना से बेटा होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, को रावा शांते। मतलब आप में से अनॉइंटिंग में अनीस और स्लोमी के लिए भी यही दुआ करता हूं, अनीस तेरे लिए तेरी बीवी स्लोमी से, मुझे नहीं पता कि इसने ये दुआएं की थी, बेटा होगा। हालेलुया हालेलुया। शमाउन और रजिया तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में से बेटा होगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा होगा। हालेलुया हालेलुया। अगर खुदा अब्राहम और सारी को औलाद दे सकता है, जिब्रान वाईफाई है साथ, तेरे लिए तेरी बीबी से तेरे लिए बेटा होगा। यस, आई डिक्री एंड डिक्लेयर, तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुर्मी होगी। मैं आपको बताऊं, जो दुआ करने वाले होते हैं उनके आंसुओं के जवाब में उन्हें खुशी मिलती है। जबूर नवीस कहता है, तूने मेरे मातम को नाच में बदल दिया है। हालेलुया। खुदा इससे हम कलाम है, ज़करिया से हम कलाम है, और खुदा कह रहा है तुझे खुशी और खुर्मी होगी, तू रिजॉइस करेगा, तू खुश होगा, तू शादमान होगा। किसके जवाब में? किसके जवाब में? दुआओं के जवाब। ना सिर्फ ये, सुनिए, और बहुत से लोग, वाह जी वाह, दुआ करने वालों की खुशी सिर्फ उनकी नहीं होती है, उस खुशी में सारे शरीक होते हैं। आमीन आमीन। जो दुआ करने वाले होते हैं वो तंग नजर नहीं होते हैं, वो बुलाते हैं, वो बाहर से भी बुलाते हैं। यीशु मसीह दुआ करने वाला खादिम है और वो तमसील देता है कि किसी ने दावत की, किसी ने ज़ियाफ़त की और उसने कहा कि जाओ बाहर से लोगों को बुला कर लाओ। उन्होंने कहा लोग बिजी हैं नहीं आ रहे, उन्होंने कहा जाओ सड़कों पर, बाजारों पर, रोड्स पर निकल जाओ और सबको बुला लो जो जो तुम्हें मिल सकता है। दुआ करने वाले अपनी खुशियों में, अपनी ज़ियाफ़त में दूसरों को भी शरीक करते हैं। वो ऑल इन वन नहीं होते हैं, वो वन मैन शो नहीं होते हैं। तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। हालेलुया हालेलुया। अपने दिल पे हाथ रखिए, कहिए मेरी दुआओं के जवाब में, दोनों हाथ अपने दिल पे रखिए, कहिए मेरी दुआओं के जवाब में बहुत से लोग खुश होंगे। मेरी दुआओं के जवाब में बहुत से लोग खुश होंगे। आमीन। बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा। अब यहां रुकिए जरा, कि जो मेरा बेटा हो वो बुजुर्ग भी हो, लेकिन खुदा इसे क्या जवाब दे रहा है? तेरा बेटा बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी मां के बतन ही से रूल कुछ से भर जाएगा। अब आप शायद कह रहे हो ये फरिश्ते ने कह तो दिया था तो पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अगले बाब में जब मरियम एलिशबा को विजिट करती है तो लिखा है जैसे ही वो अंदर आई एलिशबा रूल कुछ से भर गई और बच्चा मारे खुशी के उसके बतन में उछल पड़ा। खुदा आपकी दुआओं का जवाब भी नहीं देने वाला, खुदा आपको हैरान करने वाला है। खुदा आपको हैरान करने वाला, आप ईमान लाते हैं, आप ईमान लाते हैं,
खुदा आपको हैरान करने को जा रहा है, खुदा आपको सरप्राइज करने को जा रहा है। वो दुआएं जो आपने शायद की भी नहीं है, खुदा उनका भी जवाब आपको देगा अगर आप मुसलसल दुआ करने वाले बन जाएं। वो खुदावंद के जोर में बुजुर्ग होगा, ना मैं पिएगा ना शराब पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रुलकुस से भर जाएगा। और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। ये शायद बेटा मांग रहे थे और खुदा इन्हें मर्दे खुदा मर्दे दुआ दे रहा है। हालेलुया। ये शायद बेटा मांग रहे, समय सिर्फ सानू पुत्र मिल जाए, सानू खुदा और कुछ नहीं चाहिदा। अगर आपने कभी ऐसी दुआएं भी की हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ बेटा नहीं, ममसूह बेटा, खादिम बेटा, आपको खादिम मिलने को जा रहा है। वो माँ के बतन ही से ममसूह होगा, मखसूस शुदा होगा, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है। और वो एलिया की रूह और कुवत में उसके आगे आगे चलेगा, और वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। आपने जो इन 21 दिनों में दुआएं की हैं, रोजे रखे हैं, एक पॉइंट ये भी था कि खुदा 120 की जमात यहां से उठा जो दुनिया में जाए, पाकिस्तान में जाए और इंजील सुना सके। मैं ईमान लाता हूं 120 से बड़ी जमात खुदा उठा सकता है, 120 से बड़ी जमात खुदा उठा सकता है। हालेलुया। 120 तो हमने मांगे हैं, ये तो हमारी सोच है। मैंने खादिम को सुना, मतलब मेरी दुआया जिंदगी को भी उसने हिलाया एक दफा। उसने कहा, आप जब दुआ करते हैं, आप अपनी सोच, अपनी अकल, अपनी समझ के मुताबिक खुदा से मांगते हैं। एट द एंड ऑफ योर प्रेयर, अपनी दुआ के इख्तिताम पर ये जरूर कहा करें कि खुदा ये सब कुछ मैंने अपनी सोच से मांगा है, अब ये भी दुआ है तू मुझे सरप्राइज करना, मुझे हैरान करना। जो मैं मांग रहा हूं, अगर तेरा प्लान तेरा मंसूबा बड़ा है तो वो भी जरूर पूरा करना। किते मेरी CD 70 ते ना रह जी, तू भाई मैनु मेहरान देना चाहता है तो मैं CD 70 दे ले खपन दिया तेना महीने तो आप दुआ भी कीजिए, लेकिन खुदा से ये भी कहिए, खुदा मुझे सरप्राइज करना। आमीन। खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। अब जब ये सब कुछ हो चुका, खुदा अपना पूरा मंसूबा पूरा प्लान दे चुका, इनकरेज कर चुका है, इसका हौसला बढ़ा चुका है, इसकी दुआओं का जवाब दे चुका है, ते जकरिया साहब दा हुन रिस्पांस वेख लो अगों की है। जकरिया ने फरिश्ता से कहा, ठीक है दुआएं की हैं, ठीक है चर्च गए हैं, दुआएं करवाई भी हैं, की भी हैं, पर अब जब तक खुदा बरकत ना दे दे हमें, कैसी यकीन आए, जब तक मौजदा ना हो जाए हमें, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो भाई पता चलेगा ना नौकरी हो गई है। भजन जकरिया भी अंजदा ही सी, कहते मैं इस बात को किस तरह जानूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा। ये सीरियस काम था और इसने आगे से ना उम्मीदी की बात कर दी है। तस्दीक देखिए जरा इस मैसेज की जो इसे मिला है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं, और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। सुनिए, समटाइम्स हमारे लिए नबुवत भी हो जाती है, दुआएं भी हो जाती हैं, लेकिन हमारा अपना ईमान उस मकाम पर नहीं होता है, हम खुद से उस जगह पर नहीं होते हैं जहां हम कह सकें कि खुदा मैं तेरी बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। हम उस मकाम पर नहीं, ये हैकल में है, ये बखूर जला रहा होगा, ये कहानत की खिदमत सर अंजाम दे रहा है और खुदा का पैगाम इसके पास पहुंचा है। कहता है कि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है, ये क्यों कर होगा। जकरिया, काश के तुझे याद होता कि अब्राहम और सारी को भी खुदा ने बुढ़ापे ही में औलाद बख्शी थी, और ये कह रहा है क्यों कर होगा। और अब खुदा के फरिश्ता कह रहा है,
मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा होता हूँ और उसने मुझे भेजा है ताकि तुझसे कलाम करूं। और तू इस चीज का यकीन नहीं कर रहा? आप में से कितने यकीन कर रहे हैं जो कुछ अभी खुदा की हुजूरी में उनके लिए मैंने डिलीवर किया है? आप ईमान रखते हैं कि ऐसा होगा? नहीं, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, यस हो चुका है, हो चुका है, खुदावंद ने ऐसा कर दिया है। कहिए मैं ईमान लाता हूं जो कुछ कहा गया वो हो चुका है मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान में, ये सब कुछ पूरा होगा। आमीन, आमीन। कहते मैं इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। अब चूंकि तूने यकीन नहीं किया, देख जिस दिन तक ये बातें वाकई ना हो लें तू चुपका रहेगा, यानी गूंगा हो जाएगा और बोल ना सकेगा। इसलिए, इसलिए बाइबल में क्या लिखा है कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन। बाज़कात हम अपनी बेयकीनी, कम एतकादी के बायस हम अपने उन मिरेकल्स को, मोजज़ात को ले नहीं पाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु वहां और ज्यादा मोजज़ात ना कर सका, अपनी कुदरत की कमी के बायस नहीं, उनके ईमान की कमजोरी के बायस। खुदावंद में कोई मसला नहीं है, कलाम में कोई मसला नहीं है, नबूवतों में कोई मसला नहीं है, ईमान की कमी के बायस। हम कहते हैं ये क्यों कर होगा, मैं तो मैट्रिक पास हूं और मैं एक एग्जेक्टिव कैसे बन सकता हूं? खुदा आपकी हालत को भी बदल सकता है अगर आप ईमान रखें, दुआ करें, ईमान रखें, भरोसा रखें, वो आपकी हालत को बदल सकता है। क्योंकि तूने यकीन नहीं किया इसलिए तू गूंगा रहेगा, तू चुपका रहेगा, तू बोल नहीं सकेगा इसलिए कि तूने यकीन नहीं किया। यू नो, मैं इस, अब इस हालत को जरा मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि बुढ़ापे में जाके उम्र रसीदा हो गए जोड़े, ये जोड़ा, और खुदा ने इन्हें बरकत दे दी है। अब ये मर्द है और लोग इससे एक्सपेक्ट करते होंगे, ये चाहता होगा कि मैं अपनी इस खुशी को बता सकूं, क्योंकि इसके कानों ने तो सब कुछ सुन लिया है ना खुदा से, इसको पता चल गया है कि अब मेरे यहां बेटा होगा, ठीक है, अब ये बताना चाह रहा है, इस चीज को डिलीवर करना चाह रहा है, लेकिन ये उस चीज को बोल के बता नहीं पा रहा। इसकी कैसी बेबसी की हालत होगी कि ये उस चीज को शेयर ही नहीं कर पा रहा, इतनी बड़ी खुशी जब इसको मिली है। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने खुदा की बातों का, नबूवत के इस कलाम का यकीन नहीं। आप यकीन करते हैं कि जो कुछ कहा गया है वो होगा? मैंने कहा आप यकीन करते हैं कि जो कुछ कहा गया वो होगा? आमीन, आमीन। आप यकीन करते हैं कि जो दुआएं मांगी गई वो सुन ली गई हैं? आप यकीन करते हैं कि खुदा ने उनका जवाब देना शुरू कर दिया है? आप यकीन करते हैं कि खुदा ने तब्दीली पैदा करना शुरू कर दी है? अपने साथ वाले से कहिए अब मैं मायूस ना होऊंगा, क्योंकि खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है। हालेलुया, हालेलुया। कहिए मैं गूंगा भी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं उसकी बातों पर यकीन करता हूं, मैं उसके कलाम पर यकीन करता हूं। आमीन। और लोग जकरिया की राह देखते और ताज्जुब करते कि उसे मकदिस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल, ओहो, अच्छा जो खुशखबरी थी वो भी उसी वक्त पूरी हो गई है, और जो पनिशमेंट खुदा ने इसको दी वो भी उसी वक्त पूरी हो गई। बाहर आ गया है खिदमत करता, लेकिन फरिश्ते ने कहा तू अब तू बोल नहीं सकेगा, बाहर आया है, अब इसकी बेबसी देखिए, अंदर कितनी वड्डी खुशखबरी खुदा ने दे दी है, अपनी कौम के लिए भी प्लान खुदा ने दे दिया है, लेकिन बाहर आके ये उसको शेयर ही नहीं कर पा रहा, बोल नहीं सका। बस उन्होंने मालूम किया कि उसे मकदिस में, उसने मकदिस में रोया देखी है, और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा।
मैं आपको बताऊं, अगर आप वाकई चाहते हैं आपकी सारी दुआओं का जवाब खुदा आपको दे, आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुआ का यकीन करना है, आपको ईमान रखना है कि खुदावंद ने ऐसा कर दिया है। मसीह ने कहा था, जो दुआएं तुम करते हो ईमान रखो, यकीन रखो कि वो सुन ली गई हैं, उनका जवाब तुम्हें मिल गया है और मिल जाएगा। अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखिए और कहिए, खुदा मेरी कम एतकादी का इलाज कर, मेरे ईमान को बढ़ा, जो दुआएं मैं मांगता हूं ईमान रखता हूं वो सुन ली गई हैं, और मेरी जुबान और मेरे होंठ अब चुपके ना रहेंगे, बल्कि मैं बोलूंगा, मैं दुहाई दूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का बयान करूंगा, क्योंकि तूने मेरी दुआ सुन ली है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। और वो गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। खादमों, ईमानदारों, खूबसूरत सीखने की बात यह है कि ये अपनी खिदमत को दरमियान में छोड़कर भाग नहीं गया। इसने अपनी खिदमत को, जिसके लिए खुदा ने इसे बुलाया था, उसको पूरा किया है। आपकी बात समझ में आ रही है? इसने उस खिदमत को, फिर क्या हुआ है, अपने घर गया है। इसने विजिट बीच में नहीं छोड़ दिया। ठंड बड़ी है, बारिश हो रही है या बारिश शुरू हो गई है, इसने अपनी खिदमत को पूरा किया और खिदमत पूरा करने के बाद अपने, मैं इसको जरा ब्रॉडर लेवल पे एक बड़ी पिक्चर में अगर देखूं और आपको समझाने की कोशिश करूं, चर्च आपका और मेरा देश ये देश नहीं है। हमारा वतन आसमानों पर है और इससे पेशर कि हम आसमानों पर यानी अपने हतमी और आखिरी वतन में पहुंचे, हमें यहां पर एज ए चर्च यहां पर अपनी इस खिदमत को पूरा करना है। और वो खिदमत क्या है? वो खिदमत क्या है? मुबशराना खिदमत है। वो खिदमत ये है कि हमें इस इंजील को लेकर लोगों तक पहुंचना है, हमें गुनहगारों को इंजील सुनानी है, हमें बद किरदारों तक पहुंचना है और उन्हें कहना है कि यीशु मसीह जो मुआ वो जी उठा है और वो आपके गुनाहों को मुआफ कर सकता है, उसने मेरे गुनाह मुआफ किए हैं और अब वो आपके गुनाहों को भी मुआफ कर सकता है। इससे पेशतर के हम अपने अब्दी मकाम में ट्रांसफर हो, हमें अपनी खिदमत को पूरा करना है, जिस खिदमत के लिए हम बुलाए गए। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। हमारे यहां जब कोई मर जाता है ना तो हम कहते हैं उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सन जिंदगी के दिन तो हम कहते हैं पूरे हो गए, लेकिन क्या हम किसी ईमानदार के लिए यह भी कहते हैं कि उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए, इसलिए वो अब्दी घर में चला गया है। अब जानते हैं कि आप में से हर एक के पास खिदमत है और वो खिदमत इंजील सुनाने की खिदमत है। मेरी दुआ है जब आप में से भी हर एक अपनी अपनी बारी पर अपने घर के लिए रवाना हो तो आप अपनी जमीनी खिदमत को पूरा कर चुके हों, आप उसे पूरा कर चुके हों। वो अपनी खिदमत को पूरा करके एक एक लफ्ज इस कदर रिच है। इन दिनों के, किन दिनों के बाद? खिदमत के दिनों के बाद, खिदमत के दिनों के बाद। यानी वो काला नहीं पै गया, यार संभाली बस मैं चला वा, रिशिदा फोन करन दे ये सुबह, उसको उसको इमरजेंसी नहीं पड़ गई है, उसे इमरजेंसी नहीं पड़ गई है। ये खिदमत का काम पूरा करके अपने घर गया, नंबर वन। और नंबर दो, इन दिनों के बाद, यानी पहले खिदमत फिर बरकत। समझ आई आपको? पहले खिदमत फिर अद्धी लत एथे ते अद्धी एथे। यार कन्नी खराब होएगी, चोल खाएगा, किसी एंटीने च वजेगा, किसी छत जा, सीधी परवाज लेनी। खिदमत के बाद
बरकत। इब्रानियों के मुसन्निफ कहता है, बड़ी खूबसूरत बात है, याद आ गई है, कड्डो जरा इब्रानियों का 12:11 लिखा है, और बिलफेल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है। जब तंबीह होती है, नसीहत होती है, ये खुशी नहीं देती है, ये गम का बायस होती है। मगर अब तस्वीर बदलने लगी है, जो उसको सहते सहते, ओहो क्या हो गए हैं, जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं, यानी वो बीच में से दौड़ नहीं गए हैं, चर्च नहीं बदल लिया उन्होंने, छोड़ नहीं दिया है, जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं। ये पुख्ता होके खड़ा है और अब इस पुख्तगी को दूसरों के सुपुर्द करना चाहता है जो इसके पीछे आ रहे हैं, जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं, उनको उस तंबी उस नसीहत से पहले, जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में, यानी तंबी और नसीहत और खिदमत के बाद में चैन के साथ। हालेलुया, किसके साथ? क्या बख्शता है? होए 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 होए, बाद में चैन के साथ, खुशी के साथ रास्तबाजी का फल मिलता है। ठहरे रहने में बरकत है, रुके रहने में बरकत है। सख्त तंबी नसीहत खुशी का नहीं, गम का बायस है, लेकिन जो इसको सहते सहते उनको बाद में, ये अपनी पूरी खिदमत करके फिर घर गया है, और बाइबल कह रही है उन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई। ओहो, यही कहा था ना खुदा ने कि तेरी बीवी एलिशबा के तेरे लिए, और फिर उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई कि नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कम एतकादी और बे यकीनी के जुए के नीचे ना आए, आपकी खुशी, आपकी दुआ का जवाब आसमानों से जारी हो चुका है, और आप खुद से उसका ऐलान करेंगे, उसके नरसिंगे बजाएंगे, और आप खुद से उसे दुनिया के सामने बयान करेंगे। जबूर नवीस कहता है, ओदे वड्डे काम तुसी लोकां नूं दसो। इसकी बीवी एलिशबा हमला हुई और उसने 5 महीने तक अपने तई ये कहकर छुपाए रखा। अब देखिए जरा, ओही असर जड़ा है ना, ओदा मुंह बंद है ते एलिशबा भी नहीं किसी ने दस्या कि खुदा ने मैं भाग ला दिता है, उन्हें भी नहीं दे, 5 महीने हो गए ने ते लकाया सू, ते जिन्हें उस बतन च इन रखिया सी 6वें महीने वो आप विजिट करन आ गया है। और कहंदा मियां मेरे को किथे छुप सकना है, किथे में, ते ओ जिवें ही ओनू सुनिया सु, आवाज सुनी है, प्रेजेंस फील कीती है, ते ओदे रिस्पांस च टप पिया, उछल पिया अंदर, कहंदा मैं आवां, मेरी ते मां ने किसे नू दस्या नहीं, लकाया छुपाया सु, मैं आवां अपनी मां एलिशबा दे बतन चा। आपके बेटे, आपकी बेटियां आपके बतन में हैं, आपके अंदर हैं, आपके अंदर है। आमीन, आमीन। 6-5 महीने हो गए छुपाया रखा है, और 6ठे महीने फिर खुदावंद खुद आ गया है, और एलिशबा ही कहती है, मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां, उन्हों के इंच पता कि खुदावंद की मां, ओ जड़ा खालिक है ना, ओ अंदर सी, ओ आप ही आ गया सी, ते रूल को दस दसन डया सी के खालक आप ही आ गया है, खुदावंद आप ही आया वे। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, आपकी दुआ सुन ली गई है, आपकी दुआ सुन ली गई है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए सब अपने पांवों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। यू नो, दुआ हो चुकी है। अब सबको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो जो कुछ आपने मांगा है, जो जो कुछ कलाम के दौरान आपकी जिंदगियों के लिए, घरों के लिए, शोहरों के लिए, बीवियों के लिए, बच्चों के लिए, जो जो कुछ आपकी फैमिलीज के लिए डिक्लेयर किया है, डिलीवर किया है, आप सिर्फ उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, सिर्फ उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। जैसे भी आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं, हाथ उठाना चाहते हैं हाथ उठाइए, घुटनों के बल होना चाहते हैं घुटनों के बल हो जाइए, जैसे भी आप शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, खुदा से कहिए, खुदावंद तेरा शुक्र तूने मेरी सुन ली है, तेरा शुक्र तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया,
तेरा शुक्र कि तूने मेरी सुन ली है। और खुदावन फरमाता है तेरी दुआ सुन ली गई है, तेरी दुआ सुन ली गई है। आप जो ऑनलाइन भी हैं, आपके लिए भी मैं यही कहता हूं, खुदावन ने आपकी सुन ली है। खुदावन फरमाता है मेरा बेटे तेरी, मेरी बेटी तेरी दुआ सुन ली गई है। तेरे घराने को बरकत मिलेगी, तेरे घर में बरकत होगी, तेरी जिंदगी में बरकत होगी, तेरे नाफरमान फरमा बरदार होंगे, तेरे घर से बीमारी का जुआ टूट चुका है। खुदावन तेरा खुदा फरमाता है तेरी दुआ सुन ली गई है। हालेलुया। ओहो हो, जैसे भी आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं, शुक्रगुजारी कीजिए उसकी। आपकी दुआ सुन ली गई है। के मेरे शंडो रो 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 वो शंडो Yes, आपकी दुआ सुन ली गई है। बबम बोरे रे रे शांतो रहो शांतो। मेरी बेटी तेरी दुआ सुन ली गई है, मेरे बेटे तेरी दुआ सुन ली गई है। अब दुख तेरे नहीं है, अब दुख तेरे नहीं है, अब दुख तेरे नहीं है। तेरी दुआ सुन ली गई है, तेरे घर में रास्ती बसेगी, तेरे घर के लोग रास्तबाज कहलाएंगे, तेरे बच्चे रास्तबाज होंगे, तेरे बेटे तेरी बेटियां रास्तबाज होंगी, वो दीनदार होंगे। शुक्रगुजारी कीजिए, तेरी दुआ सुन ली गई है, तेरी दुआ सुन ली गई है। खुदा फरमाता है खुदा आपके कर्ज के जुए को भी तोड़ रहा है, कर्ज के जुए को भी तोड़ रहा है, कर्ज के जुए को तोड़ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से उन सारे प्रेयर पॉइंट्स के लिए 24 आवर्स में उठाए हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि वो तूने सुन लिए हैं, वो तूने सुन लिए हैं, वो तूने सुन लिए हैं। हाँ खुदा, हम उन सारे दुआ नुकात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और इसके साथ ये ईमान लाते हैं कि ना सिर्फ तूने वो सुने हैं बल्कि तू हमें सरप्राइज करने को जा रहा है, तू हमें सरप्राइज करने को जा रहा है। हम सरप्राइज होंगे, हैरान होंगे। वो सब कुछ जो हमने नहीं भी मांगा वो भी तूने सुन लिया है और तू जवाब देने को है, तू जवाब देने को है। खुदा बाप, हम अपनी इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के तामीर के सारे काम को इसी साल में पूरा कर गुजरेंगे। ये बिल्डिंग इसी साल में कंप्लीट हो जाएगी। खुदावन तूने इसके लिए अपने कवों को उड़ा दिया है, तूने अपने कवों को भेज दिया है, उनकी चोंच में हमारे लिए रुपया पैसा है, उनके हाथों में हमारे लिए रुपया पैसा है, उनके बैंक्स में से हमारे लिए चेक्स निकल रहे हैं। खुदा बाप, हम ईमान लाते हैं कि हम 2 करोड़ रुपया ईमान से रिसीव कर चुके हैं। खुदा बाप, हम ईमान लाते हैं तूने ये कर दिया है। आइए दोनों हाथ उठाइए, शुक्रगुजारी कीजिए। खुदा हम ईमान लाते हैं तूने ये सब कुछ कर दिया है, तूने पूरी दुनिया में से लोगों को मुतहर्रक करना शुरू कर दिया है। लोग मुतहर्रक हो रहे हैं, लोग अपना पैसा भेजेंगे, अपना रुपया भेजेंगे खुदा, क्योंकि तूने हमारी ये दुआ भी सुन ली है। खुदा तूने हमारी ये दुआ भी सुन ली है। ना सिर्फ ये खुदा, बल्कि हम अपने दाएं बाएं वाले घरों को, प्लॉट्स को भी खरीदने को है।
हम इन्हें खरीदने को है। तूने ये भी दुआ सुन ली है, तूने हमारी खैमा की डोरियों को लंबा कर दिया है, तूने ये भी दुआ सुन ली है, तूने इस कलीसिया में से 120 लोगों को निकाल लिया है जो मुबशर होंगे, जो मुबशराएं होंगी। और खुदा ना सिर्फ 120 बल्कि जहां जो नंबर जो तादाद तू चाहता है वो सब भी, हम उस सरप्राइज के लिए भी तैयार होते हैं। कलीसिया पाकिस्तान और ग्लोबल चर्च अब इवेंजलिस्ट चर्च है, इवेंजलिस्ट चर्च है, हर एक ईमानदार इवेंजलिस्ट है, इंजील सुनाने वाला है। तेरे बच्चों के लिए खुदा जो जो कुछ मैंने ईमान से रूकी हिदायत में ईमान से बोला, नबुवत की, खुदा बाप हम सब के सब अपने सर झुकाते हैं, इन बातों पर ईमान लाते हैं, यकीन करते हैं कि तूने ऐसा कर दिया है, तूने ऐसा कर दिया है, तूने ऐसा कर दिया है। हम बहुत जल्द इन मिरेकल्स को टेस्टिफाई करेंगे, हम बताएंगे कि खुदा ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा तूने ऑनलाइन भी लोगों को छू लिया है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर्स पर, हर एक जगह खुदा तूने अपने लोगों को छू लिया है और तूने उनके बिगड़े काम बना दिए हैं, तूने दुआओं का जवाब दे दिया है और तू सरप्राइज भी करने को है। हम आज की सारी मीटिंग का सारा जलाल तेरे कदूस नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से।